हेलो एवरीवन टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर नाइन ऑफ दिस सीरीज दैट इज ऑफ द क्वान्टम मैकेनिक्स वेरिशनल प्रिंसिपल एंड डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन ओके सो हमने लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स लिए थे बेस्ड ऑन दी वेरिशनल मेथड ओके नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू टेक द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी डब्ल्यू के बी ओके तो डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन हमने देख लिया था क्या चीज़ है ओके okay. अभी उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते ओके okay. या फिर आके गए हुए ओके okay. जैसे अलग अलग नेट का एग्जाम है गेट का एग्जाम है तो वैसे उसमें आके गए वैसे कुछ टाइप के मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं कुछ रेफरेंस बुक से भी न्यूमेरिकल्स लिए तो उनके आंसर्स में डायरेक्ट रेफरेंस बुक के आंसर्स ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए ओके okay? तो मैं बता दूंगा आपको ओके okay? सिंपली वो कैसे उन्होंने किया हुआ है ओके सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट लाइड सो वन मोर थिंग दैट इज़ लास्ट लेक्चर का एक रह गया था कि वेरिएशनल प्रिंसिपल को और एक वर्ड बोला जाता है रैले रीड्स मेथड ओके क्या बोला जाता है रैले रैले रीड्स मेथड ये किसको किसका नेम है वेरिएशनल मेथड को ऐसे ऐसे भी बोला जाता है रेले रैले रीड्स और ये किसके लिए हुआ वेरिएशनल के लिए और डब्ल्यू के बी जो है उसे क्या बोला जाता है सेमी क्लासिकल ठीक okay? है ये आपको थेरी में भी होगा ओके okay? ये ये रह गया था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया एम में आने आने जैसा चीज़ है ओके नाउ न्यूमेरिकल्स पे जाते तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम इन द पोटेंशियल वी ऑफ एक्स इक्वल टू ए मॉड एक्स ए टेंस ग्रेटर देन जीरो द एनर्जी आई गैन वेल्यूज एन इक्वल टू जीरो वन टू ओके एंड सो ऑन इंदर डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन आ तो पोटेंशियल दिया गया है ये ओके तो डब्ल्यू के बी का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसा पोटेंशियल ऐसा दिया जाएगा ओके और एन स्टेट अगर पूछा गया है आपको यहाँ पे ई एन पूछा गया है ना मतलब एन स्टेट की एनर्जी ओके उसकी वैल्यू पूछी गई है तो कैसा होगा देखो तो वी ऑफ एक्स इक्वल टू तो अल्फा मॉड एक्स ये है ओके यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन में ए ओके okay? तो ए तो ये वो समझ लो ठीक है ना ये अल्फ़ा कंसीडर कर दो ठीक है ना अल्फा अल्फा के फॉर्म में मैंने यहाँ पे आएगा ओके आंसर देन पी ऑफ एक्स डी एक्स देखो क्या है तो ये फार्मूला है मेन डब्ल्यू के पी का मेन फार्मूला है ओके okay? कभी भी ये याद रखो कभी भी ना आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो पहला ये फार्मूला लिखना है आपको डब्ल्यू के पी का और उसके बाद स्टार्ट करना है क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन है ये ओके okay? डायरेक्ट नहीं आता कभी भी डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन लिखा ही रहेगा तो ये देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू पी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू पाई एच क्रॉस ओके ये फॉर्मूला है अभी इसमें पी ऑफ एक्स मतलब क्या रहता है उसका भी फॉर्मूला है ओके okay, वो भी फिक्स वैल्यू है ओके okay, है देखो अंडर रूट टू एम ई माइनस वी ऑफ एक्स डी एक्स ओके और ये पूरा आ गया इक्वेशन ये हो गया अभी क्या करना है इस इक्वेशन में आपको पुट करना है वी का वैल्यू वी का वैल्यू गिवन है वो क्या है अल्फा एक्स ओके वो डाल दो यहाँ पे लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको फाइंड करनी है वो है एक्स वन और एक्स टू क्या वैल्यूज़ एक्स वन और एक्स टू की वैल्यूज़ कहाँ से मिलेगी ये वी ऑफ एक्स से ही मिलेगी कैसे तो ई इक्वल टू वी ऑफ एक्स करो ई इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ एक्स मॉड एक्स तो देखो क्या बनेगा एक्स इक्वल टू क्या बनेगा प्लस और माइनस ई बाय अल्फा बनेगा ओके okay. ये कैसे बन गया क्योंकि ये मॉड एक्स मतलब क्या रहता है दोनों इंटरवल के लिए रहता है पॉजिटिव और निगेटिव ओके okay. तो इसलिए क्या हो गया प्लस और माइनस ई बाय अल्फा बन जाएगा एक्स इक्वल टू अब ये क्या होगा एक्स वन हो गया आपका माइनस ई बाय अल्फा और एक्स टू हो गया प्लस ई बाय अल्फा ओके ऐसे आपके लिमिट्स बन गए तो अभी ये सब्स्टिट्यूट कर दो ओके वी की वैल्यू वो इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या बन गया देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन पर माइनस ई बाय अल्फा टू प्लस ई बाय अल्फ़ा अंडर रूट टू एम ई माइनस अल्फा ऑफ एक्स ओके ये अभी मॉड यहाँ से निकाल सकते हो ओके okay? ये लिखने की जरूरत नहीं खा, खाली अल्फ़ा एक्स लिखोगे तो भी चलेगा इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू पाई एच अभी देखो क्या है अब ये इंटीग्रेशन में ये जो रूट टू एम है ना ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर ही निकाल दो इंटीग्रेशन के बाहर तो रूट टू एम को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया बाकी की चीज़ें सब रूट में रख दो ई माइनस अल्फा एक्स तो देखो रूट को हम वन बाई टू पावर वन बाय टू लिख सकते हैं रूट को इसलिए यहाँ पे पावर वन बाय टू लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वैसा ही है राइट हैंड साइड में कुछ चेंज नहीं करना है वो लास्ट में हम देखेंगे ओके देन टू रूट टू एम ओके अब यहाँ पे टू क्यों आया जो मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन को अगर आपको लिमिट ये करनी है माइनस इन्फिनी से इन्फिनी अगर कोई लिमिट है कंसीडर करो और उसको अगर आपको ज़ीरो टू इन्फिनी करना है तो आप कैसे करेंगे टू टाइम्स ज़ीरो टू इन्फिनी है सॉरी वैसे ही यहाँ पे माइनस ई बाई ए से प्लस ई बाई है तो उसको चेंज कैसा होगा टू टाइम्स ज़ीरो टू ई बाई ओके वैसा ही क्या होगा देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का अभी क्या होगा बाहर की टर्म ऐसे ही रहेगी अभी इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं देखो क्या है ई माइनस अल्फ़ा एक्स होल पावर वन बाय टू तो इंटीग्रेशन क्या आएगा ई माइनस अल्फ़ा एक्स तो इंटीग्रेशन में क्या रहता है पावर एक से बढ़ जाएगी तो क्या होगा वन बाई टू प्लस वन कितना होता है थ्री बाई टू इसलिए पावर कितना होगा थ्री बाई टू और वो थ्री बाई टू नीचे दे दो ओके थ्री बाई टू और अभी देखो एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस अल्फ़ा वो यहाँ पर अटैच है तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसका भी इंटीग्रेशन ओके okay? इंटीग्रेशन नहीं उसका सिर्फ डेरिवेटिव रहता है ओके तो कितना होगा माइनस अल्फा बनेगा तो माइनस अल्फ़ा को नीचे लिख दो तो, ओके आ गया नीचे सो so, यहाँ पे हो गया अभी हम क्या करेंगे देखो ये जो है थ्री बाई टू ये आगे ले लेंगे तो क्या होगा गया टू ऊपर चला जाएगा तो टू टू का क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा फोर रूट टू एम थ्री ऐसा हो जाएगा देखिए देखो नेक्स्ट तो यहाँ पे देखो फोर रूट टू एम अपन थ्री अल्फ़ा बन गया जो जो माइनस को मैंने ऐसे ही रख दिया यहाँ पे ओके परफेक्ट रेखा हुआ है पता चल जाएगा आपको तो अभी लिमिट्स डालने हैं जीरो टू ई बाय अल्फ़ा बट यहाँ पे माइनस है अगर कभी भी माइनस ऐसा साइन सामने या फिर नीचे आ गया तो क्या करना है सिव जो हम पहले हायर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट करते थे उससे अच्छा उल्टा करने का लोअर लिमिट माइनस हायर लिमिट करो ठीक है फिर वही चीज़ हो जाएगी तो लोअर लिमिट क्या है जीरो तो पहले जीरो पुट करते तो क्या करना है देखो ई माइनस अल्फ़ा एक्स एक्स की जगह पर जीरो पुट किया तो कितना बन गया ये पूरा टर्म जीरो निकल हो जाएगा सिर्फ ई e बचेगा तो ई पावर थ्री बाई टू हो जाएगा तो ई पावर थ्री बाई टू लिख दिया अभी माइनस करो अभी हायर लिमिट वो डाल दो तो ई बाय अल्फा अगर डालते हैं तो ई माइनस अल्फ़ा इंटू ई बाय अल्फा करेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा के आंसर ई ई माइनस ई ज़ीरो तो ई e ज़ीरो हो गया तो ये बन गया ओके ऐसे बन गया ये तो अभी क्या हो गया देखो ये ज़ीरो तो कुछ मतलब नहीं है ई पावर थ्री बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अभी ये जो पूरा टर्म है ना इसको ये साइड लेके जाओ देखिए दूसरी साइड तो क्या होगा ई पावर थ्री बाई टू क्या बन जाएगा इक्वल टू थ्री अल्फा एच क्रॉस पाई डिवाइड बाई फोर रूट टू एम एन प्लस वन बाई टू ओके अभी ई e का वैल्यू निकालना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों साइड उनका पावर कितना होना चाहिए टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई करो पावर को पावर को टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई किया तो इधर कुछ पावर ही नहीं था इसलिए टू बाय थ्री आ गया और इधर थ्री बाई टू था उसको टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा कैंसिल होकर वन बनेगा ठीक ओके ये चीज़ होगी अभी अगर हमें इस ये टू बाई थ्री पावर जो है इसे अगर अंदर दे देते हैं पूरा ओके okay, हर एक टर्म वो तो क्या बनेगा एन की पावर कितनी बनेगी टू बाई थ्री बनेगी इसलिए आप ये रिलेशन भी प्रूव कर सकते हैं ई एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पावर टू बाई थ्री क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा एक्स ये वी दिया जा सकता है ओके और आंसर्स में हमें एन का रिलेशन डिपेंड्स ऑन एन पूछेंगे कैसे डिपेंड होता है एनर्जी ना एन पे कैसे डिपेंड होती है तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन भी रह सकता है ओके एन पावर टू बाई थ्री ओके तो इस ये भी याद रखो ओके okay? तो इस तरह के सम भी रहते हैं मैंने कुछ प्रैक्टिस में ऐसे इस तरह के सम भी दे दूंगा ठीक है वो आ, आप वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो नेक्स्ट है एस्टिमेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पोटेंशियल वे ऑफ एक्स ओके तो ये पोटेंशियल दिया गया है देखो यहाँ पे ये साइड है देखो पहले इन्फिनिटी एक्स लेस देन ज़ीरो एंड एक्स बाई एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो इन द डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन इस तो देखो इंटरवल दिया गया है हमें उसमें देखो क्या हुआ हमें क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे इसमें ओके एक एक्स लेस देन जीरो के है और एक एक्स एक 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 ग्रेटर देन जीरो दिया है ना ओके तो यहाँ पे हमारे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स कैसे बनेंगे देखो तो पहले तो हमें क्या करना है पहला बनेगा ज़ीरो बन जाएगा ओके कैसे बनेगा ये ओके तो एक्स एक लेस देन ज़ीरो वाला एक ये स्टेप तो ये क्या बने पहला तो इन्फिनी है इन्फिनीटी का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो okay, कितना बनेगा ज़ीरो बन जाएगा तो पहला तो ज़ीरो कंसिडर हो जाएगा अब दूसरे का क्या है देखो इसका भी अगर हम एनर्जी की तरह हमने लास्ट टाइम जो लिखा था एनर्जी इक्वल टू वी ओके वो हिसाब से अगर हम कंसिडर करते देखो यहाँ पर दिया हुआ है मैंने तो देखो ई इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाएगा और एक्स इक्वल टू क्या होगा ए ई e हो जाएगा ओके okay? तो इस तरह से ये एक्स टू की वैल्यू बन जाएगी ए ओके e, okay? और इन्फिनीटी को अगर एक साइड लेके जाओगे तो वो तो डिनोमीटर में आएगा और वो जीरो बन जाएगा इसलिए यहाँ पे एक्स वन जीरो लिया हुआ है और एक्स टू ए एक ही लिया हुआ है तो एक्स वन एक्स टू यहाँ पर क्लासिकल टर्निंग पॉइंट इंटरवल से हमें मिलते हैं ओके और अभी क्या है इंटरग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनी टू तो इन्फिनीटी ये हमारा जो इक्वेशन था वो डब्ल्यू के वी का पी डी एक्स इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू पाई एच क्रॉस तो इसमें जो वैल्यू है टू एम ई माइनस वी तो अभी रूट टू एम को पहले ही बाहर निकाल दिया ओके और ज़ीरो टू ए ई ओके तो अभी क्या करना है हमें इन, जो हमारा इंटरवल था वो इंटरवल डाल दो इंटरवल एक्स वन एक्स टू क्या है ज़ीरो टू ए ई तो जीरो टू ई डाल दिया और क्या है ई माइनस वी ऑफ एक्स की वी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी एक्स बाई ए वी ऑफ एक्स हमारा कितना था एक्स बाई ए कंसिडर किया हुआ है हमने ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ओके है एक्स बाई ए तो वो लिख दिया इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू पाई एच क्रॉस ओके अभी ये जो है इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है एक्चुअली तो देखो क्या है टू रूट टू एम ज़ीरो टू ए माइनस एक्स बाय ए होल पावर वन बाई टू है उसका क्या है एक्स बाय ए होल पावर थ्री बाई टू थ्री बाई टू नीचे आएगा माइनस वन बाय ए आएगा ए को ऊपर लेके जाएंगे टू ए ऊपर जाएगा तो टू ए बाई थ्री ऐसा हो जाएगा रूट टू एम ऐसे ही ई पावर अभी ये जब लिमिट हम डालेंगे इसमें तो देखो नीचे माइनस एन वैसा ही है तो वैसे ही बनेगा e पावर थ्री बाई टू माइनस ज़ीरो ओके ऐसा बनेगा तो e पावर ज़ीरो का तो कुछ मतलब नहीं e पावर थ्री बाई टू आपको वैल्यू ऐसे मिलेगी ओके okay? ये पूरा जो टर्म है इसको ये साइड लेके जाओ राइट हैंड साइड में तो ये बनेगा थ्री बाई टू ए रूट टू एम एन प्लस वन बाई टू पाई एच क्रॉस ई इक्वल टू थ्री बाई टू ए रूट टू एम एन प्लस वन बाई टू पाई एच क्रॉस होल पावर टू बाई थ्री ओके ये चीज़ बनेगी नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है एंथ एनर्जी एगेन वैल्यून ऑफ ए वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन एच एंथ एनर्जी एगेन वैल्यू ही पूछा है मतलब ये ही पूछा हुआ है एच वैल्यू दी है मतलब पी स्क्वेयर बाई टू एन प्लस लैमडा एक्स बाय फोर तो इसमें आपको पोटेंशियल मिल जाएगा देखो यहाँ से एंड वेयर लैमडा इज ग्रेटर इज कॉन्स्टेंट इन द डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन इज प्रोपोर्शनल टू ओके ये पूछा गया है तो देखो यहाँ पे आपको जो एम्बल्टोनियन दिया था उससे आपको पोटेंशियल मिल गया ये देखो लैमडा एक्स पावर फोर तो पोटेंशियल से आप कैसे करोगे ई इक्वल टू वी ऑफ एक्स करोगे तो लैमडा एक्स पावर फोर तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको ई बाई लैमडा होल पावर वन बाई फोर तो इससे क्या हो जाएगा आपको एक्स वन और एक्स टू मिल जाएंगे तो ये अगर आप ये करते हो अलग अलग करोगे तो एक्स वन आप ज़ीरो कंसिडर करो एक्स टू पावर एक्स टू क्या होगा ई बाई ए होल पावर वन बाय फोर ओके एक्स वन ज़ीरो कैसे हो गया क्योंकि लैमडा ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर बताया था ओके okay. तो एक्स वन यहाँ पे ज़ीरो है और एक्स टू आप ई बाई लैमडा होल पावर वन बाय फोर रख सकते हो ओके okay. मतलब तो ज़ीरो से ई बाई लैमडा होल पावर वन बाय फोर ऐसा हम इंटरवल रखेंगे तो वही फार्मूला पहले लिख दो देन ये पुट कर दिया फार्मूला यहाँ पे वी के जगह पे लैमडा एक्स बाई फोर लिख दो लिमिट डाल दो जीरो टू ई बाई लैमडा होल पावर वन बाई फोर ओके तो ये आपको दिख रहा और नहीं होगा शायद से वन बाई फोर है ये एक्चुअली लिमिट यही है हमारा ओके ई बाई लैमडा होल पावर वन बाई फोर है ओके देन रूट टू एम ई माइनस लैमडा एक्स पावर फोर होल पावर वन बाई टू ओके इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है और देन उसका इंटीग्रेशन देखो कैसा है वन माइन हमने क्या किया ई e को कॉमन निकाल लिया पहले इसमें से ओके ई e को कॉमन निकाल लिया तो ई e बाहर निकल गया पूरा रूट ई रूट ई को बाहर निकाला ओके okay? कितना हुआ वन माइनस लैमडा एक्स बाई फोर बाई ई ओके पावर वन बाई टू ऐसा आ गया ओके नेक्स्ट अभी क्या करना है देखो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल यूज करना है किसके लिए तो ये लैमडा बाई एक्स बाई फोर है ना इसके लिए बस तो ये कैसे बनेगा देखो यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल तो वेरिएबल चेंज कैसे कैसे होगा लैमडा एक्स बाय फोर अपऑन ई उसकी जगह पे हम टी पुट करेंगे इसकी जगह पे टी पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी एक्स इक्वल टू तो टी ई बाई लेमडा होल पावर वन बाय फोर ओके ये बन गया अभी क्या है एक्स पावर फोर रखेंगे हम एक्स पावर फोर इक्वल टू तो टी ई बाई लैमडा ओके देन इसका अभी डिफ्रेंशिएशन करो ये का इसका तो कितना आएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू तो ई बाय लेमा डी टी ओके इससे हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी dx इक्वल टू ई बाई फोर लैमडा वन बाय एक्स क्यूब डी टी ओके इसको तो फिर क्या करना है हमें यहाँ पे जो कुछ एक्स क्यूब है वहाँ पे पुट कर दो टी एक्स क्यूब के जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो एक्स क्या था हमारा यहाँ पे टी बायमडा होल पावर वन बाई फोर तो वो पुट कर दिया तो ऐसा मिल गया सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगी डी की वैल्यू देखो यहाँ पर टी के फॉर्म में तो ये हो गया डी की वैल्यू टी के फॉर्म में मिल गई एक्स की ये टर्म की जगह पे टी पुट करना है हमें और हमें अभी देखो लिमिट्स भी डालने लिमिट्स कैसे डालेंगे हम टी का वैल्यू है हमारे पास टी इक्वल टू लैमड़ा एक्स पावर फोर बाई ईके तो अभी क्या करना है एक्स वन की जगह पे पहले का था जीरो था ना तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही होना है ओके देन क्या होगा एक्स टू निकालना है तो क्या करेंगे एक्स की जगह पर अभी ई बाई लैमड़ा होल पावर वन बाई फोर पुट करेंगे तो अगर वैसा पुट करते हो तो कितना मिलेगा वन मिलेगा तो लिमिट्स क्या हो गए जीरो टू वन लिमिट्स हमारे बनेंगे जीरो टू वन न्यू लिमिट्स जो बनेंगे तो वो देखो यहाँ पे हम सबटिट करेंगे तो कैसे बनेगा देखो रूट टू एम ई जीरो टू वन वन माइनस टी होल पावर वन बाई टू ओके ये नए लिमिट्स हो गए उसके साथ टी पुट किया हुआ ओके okay? देन ये डी का वैल्यू है ओके वन बाय फोर ई बाय लैमडा होल पावर वन बाय फोर और डी का वैल्यू है डी का पूरा ओके टी पावर माइनस थ्री बाई फोर ओके इसमें से क्या होगा देखो अभी इसमें से इतना पार्ट तो कॉन्स्टेंट ये वो तो बाहर ही निकल जाएगा तो कुछ मतलब नहीं है उसका तो बाहर निकल गया पूरा इतना ही रह गया ओके okay? अभी क्या है जीरो टू वन वन माइनस टी पावर वन बाई टू टी पावर माइनस थ्री बाई फोर डी टी ओके प्लस वन बाई टू बाई एच क्रॉस तो अभी क्या है ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ओके कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होगा ये बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्यों क्यों में हमें क्या पूछा गया था कि जस्ट रिलेशन पूछा गया द एंथ एनर्जी आइगन वैल्यू ई एन ऑफ वन डायमेंशनल ओके पूरा वैल्यू हमें नहीं फाइंड करना है जस्ट ये एन और लैमड़ा के बीच का ये रिलेशन फाइंड करना है ओके okay? तो देखो एन और लैमड़ा का कैसा बन जाएगा देखो ई पावर थ्री बाय फोर तो है यहाँ पे ओके ये जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है इनको वो साइड भेज भी दिया तो भी मतलब नहीं ओके okay? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्लस वन बाई टू लैमड़ा पावर कैसा होगा लैमड़ा है यहाँ पे वन बाय फोर है ओके एन प्लस वन बाई टू ऐसे ही है अभी e का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो फोर बाय थ्री से मल्टी पावर में मल्टीप्लाई करो फोर बाई थ्री से तो फोर बाई थ्री वन बाई थ्री ओके फोर बाई थ्री से ये इधर कर दिया ओके okay. और वन बाई फोर को भी अगर फोर बाई थ्री से करते हैं हम वन बाई फोर प्लस फोर बाई थ्री ये अगर हम करते हैं तो हमें वही मिलेगा ओके okay. सो so, इस तरह से ये आंसर हमें मिल जाएगा इसलिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो पहले देख लो ठीक है ना नेक्स्ट देखते हैं यूज द डब्ल्यू के भी अप्रोक्सिमेशन टू एस्टिमेट द ट्रांसमिशन कोविशेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड मासर्जी मूविंग इन द फॉलोइंग पोटेंशियल बैरियर ये क्वेश्चन मुझे मिला था जेटली से ओके okay? जेटली के बुक में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन तो इसमें क्या है एक इंटरवल दिया गया है ओके okay, ये इंटरवल दिया गया है जिसमें हमें पोटेंशियल तो मिल गया है ओके okay, इसका लिमिट्स भी हम ऐसे ही देखेंगे देन हमें पूछा गया कि ट्रांसमिशन कोविशियन फाइंड करना है ओके यहाँ पे तो ट्रांसमिशन कोफिशियंट का फॉर्मूला फिक्स फॉर्मूला है वो फॉर्मूला उसमें दिया हुआ था तो मैं डायरेक्ट वो इक्वेशन लिया हुआ है ओके वो ट्रांसमिशन कोफिशेंट का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे ओके ट्रांसमिशन कोफिशियंट पोटेंशियल बैरियर देखो क्या है ये फार्मूला है टी इज नियरली इक्वल टू तो ई पावर माइनस टू गैमा ओके इस ई इसमें एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो गैमा है वो गैमा का सिर्फ इतना फॉर्मूला है ओके उसके बाद वो ग्यामा उधर हमें पुट करना है तो पहले ग्यामा फाइंड करेंगे वो ओके तो क्या ट्रांसमिशन को इक्वेशन से बताया गया है यहाँ पर हम एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो कंसिडर करेंगे ओके एंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू विच कैन बी ऑप्टेंट ओके तो एक्स टू कैसे फाइंड करेंगे देखो इससे वी नॉट माइनस लैमडा एक्स है ना उसको हम ई इक्वल टू कैसे करेंगे वी नॉट माइनस लैमडा एक्स ऐसा कंसिडर करेंगे एक्स टू ओके ये ऐसा कंसिडर करेंगे तो यहाँ से अगर एक्स टू हम निकालेंगे तो कैसा बनेगा एक्स टू इक्वल टू वी नॉट माइनस ई बाई लैमडा ओके अभी क्या एक्स वन एक्स टू दोनों वैल्यू मिल गई है ओके okay? और v का देखो v माइनस ई e का वैल्यू हम फाइंड करेंगे ओके वी ऑफ एक्स माइनस ई तो वी ऑफ़ एक्स की वैल्यू क्या है वी नॉट माइनस ई माइनस लैमडा एक्स था तो लैमडा एक्स को हमने पीछे लिख दिया और e को पहले लिख दिया ठीक है ना ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी चीज़ है तो ये डायरेक्ट ही हमें इसमें पुट कर रहे ओके okay? ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखो ग्यामा की वैल्यू क्या बनेगी वन बाय एच क्रॉस इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू टू एम वी ऑफ एक्स ई माइन माइनस ई डी एक्स ओके तो अभी इसमें क्या होगा रूट टू एम पहले बाहर निकाल दो एच क्रॉस तो बाहर ही है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है ना इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है इसको इंटीग्रेशन में रखने की जीरो टू वी नॉट माइनस ई बाई लेमडा ओके इंटीग्रेशन में क्या लिमिट है देन अंडर रूट वी नॉट माइनस ई माइनस लेमडा एक्स ओके ये बनेगा अभी क्या करना है इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है ओके okay? इसका इंटीग्रेशन भी कैसे निकलेगा देखो वी नॉट माइनस ई ओके होल पावर वन बाय टू ये पूरा जो टर्म है वी नॉट माइनस ई होल पावर वन बाई टू इसको इंटीग्रेशन में रखने की जरूरत भी नहीं ये बाहर भी निकाल सकते हैं ओके कांस्टेंट करके हम निकाल सकते हैं इसको बाहर जो बचेगा बाकी का पार्ट है ओके okay? उसका इंटीग्रेशन अगर निकालते हैं तो ये सॉल्व करके लास्ट में हमें जो मिलेगा वो इतना रहेगा ओके okay? ये पूरा सो so, नेक्स्ट देखते हैं देखो तो ये सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू मिल गई हमें ये क्या था गैमा की वैल्यू थी ग्यामा को वापस हमें इसमें पुट करना है ई रेस्टू माइनस टू ग्यामा लिखा है ना इसमें तो क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस फोर रूट टू एम अपॉन थ्री एच क्रॉस लैमडा वी नॉट माइनस ई होल पावर थ्री बाई टू ओके ये चीज़ है और ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली किसके स्टडी के लिए यूज होता है कोल्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में से जो कोल्ड इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का उसके लिए इन द एबसेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाई पोटेंशियल ऑफ द टाइप वी नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वैसे बोला जाता है जब ये रहता है तो वर्क फंक्शन मतलब क्या रहता है कि जिस टाइम पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो हैं ओके जो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ओके मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोवाइड करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन सीमेंट होते हैं तो उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है सिक्स क्वेश्चन देखो यूजिंग द डब्ल्यू कब अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ ए मास एम मूविंग इन वन डायमेंशनल बॉक्स विथ वॉल्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल तो यहाँ पे क्या है वन डी बॉक्स का बताया गया है okay. जिस ओके एक जिसमें एक्स जीरो टू एल का लिमिट दिया हुआ है उसका ओके okay. तो आपको इंटरवल तो यहाँ से ही मिल गया ओके एक्स वन वहाँ पर जीरो रहेगा एक्स टू एल रहेगा अभी क्या करना है हमें वही एनर्जी ई एन ही फाइन करना है ओके okay? तो ये हमारा इक्वेशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू पी ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू एन पाई एच क्रॉस तो देखो जब भी डब्ल्यू ए रहेगा वी बॉक्स ओके okay? पोटेंशियल बॉक्स तभी इक्वेशन ऐसा रहेगा ओके एन प्लस वन बाई टू यूज करने की जरूरत नहीं एन पाई एच क्रॉस यूज करो ओके सिंस द मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट विद द वेल बी इक्वल टू अंडर टू एम ई वी कैन ईजीली इन्फर द डब्ल्यू के वीजी एक्सप्रेशन ऑफ दार्टिकल विद इन द वेल भी इंटेग्रल सॉल्व करते हैं देखो इंटीग्रेशन फॉर्म जीरो टू एल है ओके okay, लिमिट्स पहले से ही क्योंकि वन डी बॉक्स का ही लिमिट दिया गया है जीरो से लेकर एल का ओके okay, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कैसे रहेगा वन डी बॉक्स में मोस्टली जीरो रहता है पोटेंशियल ओके वन डी बॉक्स में पोटेंशियल तो जीरो रहेगा इसलिए हम यहाँ पे देखो पोटेंशियल दिया गया नहीं है इसका मतलब वी जीरो रहेगा ओके okay? तो टू अंडर रूट क्या होगा टू एम ई माइनस वी रहता है ना v ऑफ x तो v तो जीरो हो गया तो टू माइनस ई रहेगा इंटीग्रेशन जीरो टू एल डी एक्स हो गया कुछ नहीं है यहाँ पे इसका मतलब वन रहता है तो वन का इंटीग्रेशन क्या रहता है x रहता है तो x का अगर लिमिट पुट करेंगे जीरो टू तो वो एल बन जाएगा तो एल अंडर रूट टू बन गया ओके okay? अभी क्या है नाउ सिंस जीरो टू एल पी डी एक्स इक्वल टू एन पाई एच क्रॉस वी ऑप्टेन ओके ऐसा जो था ये एन पाई एच क्रॉस तो उसके साथ अभी ये करो इक्वेट कर दिया एल अंडर टू एम ई के साथ एन पाई एच क्रॉस कर दिया इक्वल टू एन पाई एच क्रॉस ओके तो ये ई एन मिल जाएगा हमें ई एन की वैल्यू कितनी बनेगी अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें तो पाई स्क्वेयर एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम एल स्क्वेयर इन टू एन स्क्वायर ओके okay, तो ये क्या होगा एनर्जी ऑफ दी पोटेंशियल बॉक्स पोटेंशियल वेल भी, भी बोलते इन्फाइन पोटेंशियल वेल वन डायमेंशन में लेकिन ना दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एन इनफाइनइट वेल नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन यूजिंग द एक्चुअली यहाँ पे नंबरिंग लॉन्ग हो गया ओके ये फिफ्थ था ये सिक्स था ओके उल्टा हो गया चलेगा लेकिन वो पर्पजफुली रखा हुआ है ओके यूजिंग द डब्ल्यू कभी अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ एस स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज बाउंड टू जेडी न्यूक्लियस ओके तो अभी हमें क्या करना है कि डब्ल्यू कभी अप्रोक्सीमेशन यूज करके हमें एनर्जी लेवल्स एस स्टेट की इलेक्ट्रॉन के एस स्टेट्स की एनर्जी लेवल्स हमें फाइन करनी है जो जेडी ई न्यूक्लियस को एक्चुअली जेड ई न्यूक्लियस मतलब वही न्यूक्लियस में ही उसको ही जेड ई बोला जाता है एक्चुअली बाउंड है वो तो क्या है देखो इलेक्ट्रॉन बोल दी ना कुलम फील्ड ऑफ जेडी न्यूक्लियस ओके जेडी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के कुलम फील्ड में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका पोटेंशियल इतना रहेगा ओके okay, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया था आंसर का पार्ट है इक्वल टू माइनस जेडी स्क्वेयर बाय आर ओके सिंस द इलेक्ट्रॉनिक बाउंड टू द न्यूक्लियस इट कैन बी व्यूड एज मूविंग बिटवीन टू रिजिड वॉल्स जीरो लेस दैन इक्वल टू आर लेस ओके तो ये उसका ये भी है ओके okay. uh, क्या बोलते हैं इसका <coughs> इंटरवल है विथ ईक् टू वी एक्वल टू माइनस जेडी स्क्वायर बाई ई ओके तो ए का क्या कंसिडर किया है देखो माइनस जेड स्क्वायर बाई ई को ए कंसिडर किया हुआ है कैसे कंसिडर किया है ई इक्वल टू वी वी ए कंसिडर किया और ए को फिर ऐसे ही रख दिया और ई बाई वी कर दिया वी का वैल्यू ऑलरेडी हमने फिक्स किया हुआ है इधर माइनस जेडी स्क्वेयर वो पुट कर दिया उसने और आ गया ओके okay? नेक्स्ट क्या है

यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल तब चेंज ऑफ वेरिएबल अभी एक्स इक्वल टू ए बाई आर कंसिडर किया हुआ है और वो यहाँ पर हम पुट करेंगे ओके रूट टू एम तो ये देखो अंडर रूट टू एम ए वाला इक्वेशन कहा से आया है तो यह हमारा जो हमेशा का इक्वेशन है पी डी एक्स बाईके उसी इक्वेशन में से हमने लिया है देन ये सब सम्स जो दो तीन हैं ना ये पूरे मैंने जेटली बुक से भी लिए हुए ओके okay? आपको मिल जाएंगे वहाँ पे देन माइनस अंडर रूट माइनस टू एम ई देखो तो ये माइनस कहाँ से आया जो हमने पुट किया एक्स इक्वल टू ए बाई आर ओके वहाँ पे ही हमें सिम्प्लीफिकेशन के बाद ये माइनस वहाँ पे बाहर आ जाता है ओके okay? और ये हम चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे देन वहाँ पर डी का वैल्यू भी फाइंड करेंगे डी के वैल्यू को भी यह, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा ओके डी कंप्लीट निकाल देंगे उसके बाद ये जो ऐसा फॉर्म बनेगा ना ओके इसको डायरेक्टली कंसिडर किया है उन्होंने पाई बाय टू ओके ये डायरेक्ट वैल्यू है पाई बाय टू ओके दिस रिलेशन वी हैव यूज द इंटीग्रल पाई बाई टू और पाई बाय टू यूज करने के बाद ये क्या बन गया ऐसा अंडर रूट माइनस टू एम ई इज इक्वल टू तो माइनस पाई जेडी स्क्वेयर अंडर रूट माइनस एम बाई टू ई ओके ये बन जाएगा दिस कैन बी इजिली ऑप्टेंड बाई द अप्लीकेशन ऑफ द रेसिड्यू थेरम मतलब ये जो इंटीग्रल बना है वो एक्चुअली रेस्टोडी थेरम से मिला हुआ है देन कंबाइनिंग देखो नाइन पॉइंट टू टू थ्री एंड टू थ्री फोर ओके ये दोनों इक्वेशंस ये पहले का जो है एन पाई एच क्रॉस उसके साथ ये जो हमें मिला वो दोनों कंबाइन करने के बाद जो हमें इनर्जी मिलेगी वो ऐसे रहेगी ये एन इक्वल टू इक्वल टू अपॉन टू ए नॉट वन एन ओके वेयर ए नॉट क्या होगा बोर रेडियस है इक्वल टू एच क्रॉस स्क्र अपॉन एम वी स्क्सर बाई एम ई स्क्र ओके दिस इज द करेक्ट गोर एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लेवल्स ओके ये हो गया नेक्स्ट देखो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने डाल दिए ओके सिक्स प्रॉब्लम्स हमने लिए थे एक चार और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ये एन की पावर में है ओके तो इसमें देखो कौन से कौन से देखो एक लैमडा बाई फोर का जो था ये देखो ए एक्स बाई फोर है ना इसके लिए हम लैमडा बाई फोर का जो हमारा एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हमने जो सॉल्व किया था ठीक है एक्स बाई फोर वाला हाँ ये लैमडा बाई एक्स बाई फोर ठीक है ये एग्ज़ाम्पल एक्चुअली उसके जैसा ही है ओके सेम वैसे आपको आंसर यही मिलेगा ओके एन पावर फोर बाय थ्री आएगा जो रिलेशन बन के मिलेगा लास्ट में वो इसका ऐसा भी आता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईजी एन इज डाइलोशनल टू एन पावर फोर बाई थ्री ये भी रिलेशन रहता है इसमें सो so, देखो क्या क्या है मैंने सेवंथ प्रॉब्लम में, में देखा है, a X square. तो क्या पार्टिकल इन वन डायमेंशन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल व्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक् स्क्वेयर तो एक स्क्वेयर कंसिडर करने के बाद आपको ई एन डिपेंड्स ऑन एन ई एन एन पर कैसे डिपेंड करता है वो रिलेशन फाइंड करना है इसमें से ओके okay, तो इसका आंसर देखो ये ये आता है डायरेक्टली प्स्टनल टू एन आता है ओके okay, आंसर तो ये कैसा है आप इसके लिए पोटेंशियल देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्यर स्क्वायर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का है वो भी कंसीडर कर सकते हो उसमें क्या करना है सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जो है उसको ये कंसीडर कर देना ओके okay? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को ओके okay? और फिर ए की वैल्यू मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करना और एक्स स्क्वायर बस ऐसे रहेगा तो वो सॉल्व करोगे तो भी उससे भी हो जाएगा देन नेक्स्ट क्या है आर्टिकल इन वन डायमेंशन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल ए एक्स पावर फोर तो ये मैंने अभी जो बताया वही है ए एक्स पावर फोर तो क्या होगा देखो ये इसका आंसर ये है. अभी ये वा आंसर ये आएगा फोर बाई थ्री ओके ये जो मैंने एक बताया अभी ओके लैमड़ा एक्स पावर फोर ओके वो एग्जाम्पल आप इसके लिए कंसिडर कर सकते हो वो भी सेम ही है वही सा ही आंसर आने वाला है इसका भी सिर्फ लैमडा एक्स लैमड़ा की जगह पे ए यूज़ कर दो खास ठीक है वही आंसर आएगा अब आर्टिकल वन डायमेंशन मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पोटेंशियल व्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर सिक्स ओके ये भी आप ट्राई करके देखो ठीक है वही चीज़ है करनी है सिर्फ पोटेंशियल चेंज किया है तो कितना होगा एन पावर थ्री बाई टू और देखो एक्स पावर एट है तो इसका भी आप चेक करके देखो ये आंसर आएगा ये नियरली अबाउट एन पावर एट बाई फाइव ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टू डेज लेक्चर और हमने यहाँ पर हमारा uh, वेरिएशनल बेसिक डब्ल्यू के भी कम्प्लीट कर दिया है ओके मोस्ट ऑफ टॉपिक्स लिए हमने और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिए प्रॉब्लम्स ले लिए यहाँ पे कुछ ओके सो प्रैक्टिस करो इसकी आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स अबाउट द टू डेज लेक्चर थैंक यू वेरी मच